ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हथखोज स्थित न्यू इंजीनियरिंग पार्क के समीप मुरुम खदान तालाब में डूबे 15 वर्षीय छात्र प्रवीण मरकाम के परिवार को प्रशासन से अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। घटना 4 अगस्त 2019 की है। मृतक प्रवीण निर्मला रानी विद्यालय में 7वीं कक्षा में अध्ययनरत था। भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत कुर्सीपार निवासी प्रभाकर मरकाम के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। बीते 4 अगस्त 2019 को उनका बड़ा पुत्र प्रवीण मरकाम अपने दोस्तों के साथ हथखोज के न्यू इंजीनियरिंग पार्क स्थित तालाब में नहाने गया हुआ था, जहां नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से पानी में डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई। पिता प्रभाकर मेहनत मजदूरी कर कर्ज लेकर तीनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा दे रहे थे। मृतक प्रवीण पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। उसके अचानक चले जाने से पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार से मिलने ना कोई जनप्रतिनिधि आया और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। शासन प्रशासन से मिलने वाली राशि भी इन्हें अब तक नहीं मिल सकी है। पीड़ित परिवार से सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने मुलाकात की और जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार को घटना से अवगत करवाकर मुआवजा दिलाने प्रयास करने की बातें कहीं। मृतक छात्र की माता लता मरकाम और पिता प्रभाकर मरकाम ने घटना की जानकारी दी। पुत्र की मृत्यु हो गई है, उनके कोई सहायता राशि नहीं मिली है सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ से। जो उस दौरान मैंने सुमन सिंह से संपर्क किया और उनने आके पूछा, तो उस दौरान से मिलकर जो जानकारी है मैंने लिया और उन आगे उनसे सहायता करने की गुजारिश किया हूँ। मेरा बड़ा लड़का तालाब से डूबने से मेरे को कोई साथ नहीं मिला है, कुछ हम लोग को मिले सहायता मिले। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने पूरा प्रयास किया जाएगा। कुर्सीपार में निवास करने वाले मरकाम परिवार, जो कि पूर्व में वार्ड क्रमांक 38 शहीद वीर सिंह नाय नगर के आशीष होटल के पीछे किराए के मकान पर निवास करते थे, अभी भी वर्तमान में किराए के मकान पर ही निवास कर रहे हैं, जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका मजदूरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा पुत्र 13 वर्षीय प्रवीण कुमार मरकाम, जो कि 4 अगस्त 2019 को रविवार के दिन हथखोज के तालाब में नहाते वक्त डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के उपरांत आज विगत 4 वर्ष होने को है, मिलने वाली जो सहायता राशि वह राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसके संबंध में वहां के स्थानीय लोगों द्वारा यह बताया गया, जिस पर वहां उनके निवास स्थल पर पहुंचने पर उनके मृतक के माता पिता से मुलाकात की गई और समस्त जानकारी दी गई। यहां की स्कूल से भी मिलने वाली जो 1 लाख रुपए की राशि होती है, वह राशि स्कूल के जो सरकार से अनुदान प्राप्त होकर स्कूल चलते हैं, ऐसे स्कूल से भी बच्चे को 1 लाख रुपये, बच्चों के मृत्यु पर उनके परिवारों को 1 लाख रुपए मिलता है, उस राशि की भी जानकारी दी जाएगी और अथाशीघ्र इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार को अवगत कराते हुए तत्काल मिलने वाली राशि जो अभी तक रुकी हुई है उसे दिलाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। बहरहाल घटना के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलने से परिजन दर दर भटक रहे हैं और इन्हें केवल आश्वासन ही मिलता आया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।